नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे चंपाकली निमकी या इसे करेला निमकी भी कहते हैं। यह बहुत अच्छा टी स्नैक है। चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम मैदा लिया है जिसे मैंने छान लिया है, 20 ग्राम सूखी कस्तूरी मेथी, नमक स्वाद के अनुसार, 3 बड़े चम्मच तेल, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है। सबसे पहले मैं बाउल में मैदा डाल रही हूँ। अब इसमें हाथों से क्रश करके मैं अजवाइन डाल रही हूँ और इसके बाद अब मैं मेथी को भी अच्छी तरह से क्रश करके देखिए इस प्रकार से इसे भी डाल दूंगी। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। देखिए अच्छी तरह से मिल चुका है। अब मैं इसमें तेल डालूंगी और इसे भी अच्छी तरह से मिला लूंगी। तेल हमने मोयन के लिए डाला है ताकि निमकी अच्छी तरह से खस्ता बने। देखिए तेल अच्छी तरह से मिल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी डालेंगे और इसे गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूंथ लेंगे देखिए इस प्रकार से। अब मैं इसमें 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लूंगी। देखिए हमने अच्छी तरह से करेला निमकी का आटा गूंथ लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 15 मिनट बाद अब हम इसे खोलकर देखेंगे। देखिए निमकी का आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे लोई ले लेंगे और इसे बेल लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैदा लगाकर इसे बेल लूंगी। हमें थोड़ा थोड़ा मैदा लगाकर इसे बेल लेना है। देखिए हमने इस प्रकार से इसे बेल लिया है। अब हम इसके किनारों को चाकू से काट लेंगे। हमें इसे न तो ज़्यादा मोटा बेलना है न तो ज़्यादा पतला बेलना है। अब मैं इसे स्क्वायर शेप में काट लूँगी देखिए इस प्रकार से। स्क्वायर शेप काटने के बाद अब हम इसमें देखिए इस प्रकार से कट लगा लेंगे। देखिए इस प्रकार से हमें सभी में सीधा कट लगाना है। हमें इसे पूरा कट नहीं करना है, हमें इसे बीच में ही कट करना है देखिए इस प्रकार से। देखिए हमने और बनाकर इसमें कट लगा लिया है। देखिए अब हम इसे इस प्रकार से मोड़ते जाएंगे। मोड़कर किनारों को अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि तलते समय यह खुले नहीं। हमने सभी करेला निमकी को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे तल लेंगे। मैंने मीडियम आंच पर पहले से ही तेल गर्म होने रख दिया था। देखिए तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके करेला निमकी डालेंगे और तल लेंगे। कभी कभी आपका भी मन करता होगा चाय के साथ कुछ नमकीन खाने का। ये चाय के साथ खाने के लिए और छोटी मोटी भूख भगाने के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें इसे पलट कर अच्छी तरह से तल लेना है। मैंने यहाँ मेथी डाला है, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए करेला नीम की तलकर तैयार है। इस प्रकार की गोल्डन होनी चाहिए। अब हम इसे निकाल लेंगे। यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।